केवल तीन अभ्यर्थी हैं जो एग्जामिनेशन के बाद ओएमआर सीट या ओएमआर की कार्बन कॉपी लेकर चले गए। इस तरह से अरवल जिला में दो और हाजीपुर में एक अभ्यर्थी को चीटिंग करते हुए, आपस में बात करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा गया, उनको निष्कासित। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज 17 दिसंबर है और आज के दिन बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा जो थी उसको सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आपको बताते चलें कि दो पालियों में परीक्षा हुई, एक 10 बजे थी और फिर उसके बाद एक 2:30 बजे से थी। फिर उसी के साथ जो तमाम टीम थी कहीं ना कहीं BSSC की, उसने पूरे के पूरे अभ्यर्थियों को कदाचार मुक्त परीक्षा, फिर उसी के साथ साथ कोई भी ऐसी बाधा नहीं आई, इसको लेकर के धन्यवाद ज्ञापित किया है। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि तीन ऐसे भी अभ्यर्थी मिले आज जो कि अपने OMR सीट की कार्बन कॉपी लेकर चले गए, जिसकी शिकायत मिली है। फिर उसके साथ अरवल और हाजीपुर जिले से तीन अभ्यर्थियों के नकल करने की शिकायत आई है, जिसके बाद उनकी परीक्षा को रद्द करते हुए उन्हें इस परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं BSSC के चेयरमैन KS द्विवेदी, सुनिए। इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयोग द्वारा परीक्षा आज ली जा रही है, उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। आज दो पालियों में परीक्षा हुई है, जैसा कि मैंने कल आपको ब्रीफ किया था। पहली पाली सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक थी और दूसरी पाली अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक अभी चल रही है, 3:45 हुआ है, 45 मिनट का समय और है। और सब मिला करके जो आप एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये धन्यवाद का समय है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सवेरे की पाली में फ्रिस्किंग, बहुत गहन जांच हुई और परीक्षा केंद्र के अंदर एक भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिली। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन जानना चाहें, तो केवल तीन अभ्यर्थी हैं जो एग्जामिनेशन के बाद OMR सीट या OMR की कार्बन कॉपी लेकर चले गए, इसलिए उनकी शिकायत हुई। एग्जामिनेशन के समय कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो तीन आदमी जो हमारे अलाउड नहीं है OMR सीट ले जाना, वो उसको ले गए उसके उल्लंघन में। इसी तरह से अरवल जिला में दो और हाजीपुर में एक अभ्यर्थी को चीटिंग करते हुए, आपस में बात करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा और कोई भी एनोमली अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। हो सकता है एक आध मामला छोट-छोट और हो, क्योंकि हम लोगों ने जैमर लगवा रखे हैं, इसलिए कहीं से कोई भी खबर, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पाई है। लेकिन कदाचार के संबंध में मैंने इंडिविजुअली सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात कराने की कोशिश की थी। बीच का जो 1.5 घंटे का समय था उसमें, तो कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। सेकेंड इनिंग का एग्जाम चल रहा है। अरवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं भी एग्जामिनेशन सेंटर पर गए थे और उनके सामने ही वो दो लड़के पकड़े गए जिनको निष्कासित किया गया। तो कुल मिला के हमारी परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है, पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छी फ्रिस्किंग हुई। परिणाम स्वरूप अंदर कोई भी मोबाइल, मैंने जैसा कल आपसे कहा था, पेपर लीक का सवाल नहीं है। पेपर लीक तब होता है जब परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचने से पहले पेपर मार्केट में आ जाएंगे, उसका तो कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्र से लोग पेपर का फोटो खींच करके वायरल कर देते हैं, वो भी थोड़ा चिंताजनक होता है और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि पेपर कहीं लीक तो नहीं है। आप सब लोग के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, ऐसी भी कोई घटना अभी तक नहीं घटी, न पहली पाली का पेपर और न दूसरी पाली का पेपर, जबकि अब केवल 40-45 मिनट बचे हैं, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं भी वायरल नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हाँ, हमारी परीक्षा बहुत अच्छी रही और जैसा मैंने बताया था कि बहुत हमने स्ट्रॉन्ग फ्रिस्किंग की व्यवस्था की थी, जैमर सब पर लगवाए सारे सेंटरों पर, फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, इसके बाद CCTV का ओवरऑल कवरेज पूरे सेंटर का, स्टूडेंट्स एंड जितने भी मैनेजर्स हैं, जिस लेवल के भी केंद्राधीक्षक हों या इवन कर्मचारी हैं, सबकी एक्टिविटीज़ को हमने कवर किया। और हम अंततः आप सबको और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है। मैं उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और सोचता हूँ इसी प्रकार वो लोग सहयोग करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उन्हें और अवसर प्रदान। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया तमाम अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक इस परीक्षा के आयोजन के लिए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।